एक रौल जी दिल्ली तो चल के इत्थे आण के मैं ते समझांगा कि वो तमाशा देखने आ रहे ने। ये लोक लहर दे हड़ अगे जिहड़े मोदी दे काले कानून ने ये जिस तरह पानी में हर एक चीज़ रुढ़ जाती है और ये आने वाले दिनों दे विच ये जरूर रुढ़ जाएंगे। असी मोदी नूं कहना चाहुंदे आ भी तू किसानां दे गलमे नूं हाथ पाया है। ये वो बहादुर बाबा बंदा सिंह बहादुर की कौम है जिन्होंने अडवैर नूं भी जाके घेर लिया सी ते तू कि बाग की मूली है। आने वाले समय तेनू जिहड़ा इत्थे नवा के छड्डांगे सानू भावें जो मर्जी करना पवे। किसान तो है ही बेचारा वो अज तो शुरू तो लैके अज तक बोझ पिया। किसान इन्ना घाटे च है पैदा करन दे साधन जिहड़े खादा तेल कीड़े मार दवाइया वो महंगे और सानू साडी पैदावार का मुल घट मिल रहा इस करके किसान तो पहले ही कर्जे के थले है। सुखबीर बादल ने अज के पेपर के बयान दिता कि राहुल गांधी अज जी रैली कर रहा उन्होंने जो 2017 किसानों वादे किए थे उन्होंने आपकी सरकार के प्रति पूरे नहीं किए कि ये दोष ठीक लगा रहे हैं। गल है भी जो दोनों घर ये पंजाब के उत्तर काट वो मैं चढ़ा की खेड खेल रहे हैं कभी कांग्रेस आँगी कभी अकाली आँगे जो अकाली सियासत तो बाहर होंगे उदो इल्जाम तराशी करते जो कांग्रेस सियासत तो अपना पावर तो बाहर होंगे उदो उन्होंने इल्जाम तराशी करते। साड़ी नज़र ये दोवें घर कारपोरेट सैक्टर के दलाल है। देख रहे हो एनओ 24 चैनल से मैं तो अपना दोस्त जगराज गिल। दर्शकों जिस तरह तुम्हें पता ही है कि आर्डियंस लैके जो संघर्ष तिखा हों जा रहा है उस संघर्ष के राजनीति होनी भी शुरू हो गई है। अज साडे नाल इत्थे मौजूद ने जो कि मोगा जिहड़ा हैगा रेलवे फाटक ते ट्रैक ते जिहड़ा रेलां नूं जाम कीता होया है उत्थों दे जिहड़े किसान यूनियन दे आगू ने साडे नाल मौजूद ने उन्हां नाल गल्लबात भी करन दी कोशिश करांगे। सर सति श्री अकाल जी। सति श्री अकाल जी। दास बलवंत सिंह ब्रह्म के जनरल सैकटरी बीके जू पंजाब भारतीय किसान यूनियन सब तो आप जी दे पहला चैनल का मैं धन्यवाद करता हाँ कि आप जी दे माध्यम रही अज पूरे संसार दे विच जिहड़ी जिहड़े किसान दा दर्द है आप जी भेज रहे हो। असी वेखो अज आप जी ने रौल जी गल पर पुछी आ एक रौल जी दिल्ली तो चल के इत्थे आण के मैं तो समझांगा भी वह तमाशा देखण आ रहे ने होर कोई गलबात नहीं। ऑलरेडी उन्होंने पता है भी 31 जथेबंदियां दे दिशा निर्देशों के हेठ 1 अक्तूबर तो लैके अणमिथे समय वास्ते रेलों दियां पटड़ियां रिलायंस दे पंप टोल प्लाजे सैलो वर्गे प्लांट और होर जिहड़े कुछ है सी इत्थे कारपोरेट घराणियां दा उन्हूं मुकम्मल तौर ते उन्हूं बंद कर दिता गया। बाकी होर चीज़ों का बाइकाट कर दिता गया मॉल के उपर घेरिया होया इतों के जिहड़े लोग होर ने कारपोरेट घराणियां दे नाल जुड़े हुए उन्होंने घेराबंदी इस तरह जारी है क्योंकि रौल नूं तां केंद्र दे घर बह के मोदी दे दर दे मूहरे दरी विछा के ये गल कहनी चाहिए है भी इन्हां काले कानूनां नूं बनाए उन्हां नूं खत्म करे। असीं भी समझिए भी जिहड़ा रौल गांधी है ये वाकई किसान तैसी है इत्थे तां इक मगरमच्छ दे हंझू हंझू पुंजन आया पर उन्दे इत्थे पंजाब विच आउण दी लोड़ नहीं। मैं समझांगा भी अपनी होण दी खातर अपना बोर्ड बैंक बनाउण दी खातर ये लोग पंजाब वल नूं आ रहे ने ना कि इन्हां दा हक जिहड़ा है वह दिल्ली विच फर्श ते बैठ के दरिया ते बैठ के एक किसान अत्याची बनता है ना कि अज ड्रामाबाजी वेखण दा। लगता कि ये जिहड़ा अज दा इकट्ठ आ हज़ारां दी गिणती दे विच ट्रैक्टर जा रहा लगता भी पंजाब दे विच उत्ते इक जिहड़ा होर बोझ पा रहे ने। बिल्कुल कोई बोझ नहीं हैगा जी किस तरह का कोई बोझ नहीं हैगा जिहड़ा लोकां दी किसानां दी लोक लहर बन चुकी है ये लोक लहर दे हड़ अगे जिहड़े मोदी दे काले कानून ने ये जिस तरह पानी में हर एक चीज़ रुढ़ जाती है वो ये आने वाले दिनों दे विच ये जरूर रुढ़ जाएंगे। असी मोदी नूं कहना चाहुंदे आ भी तू किसानां दे गलमे नूं हाथ पाया है। ये वो बहादुर बाबा बंदा सिंह बहादुर की कौम है जिन्होंने अडवैर नूं भी जाके घेर लिया सी ते तू कि बाग की मूली है आने वाले समय च तेनू जिहड़ा इत्थे नवा के छड्डांगे सानू भावें जो मर्जी करना पवे। बहुत धन्यवाद साढ़े नाल इस टाइम मौजूद ने कामरेड सरदार सूरत सिंह जी इन्हां नाल भी गलबात करते हैं। सर जिहड़ी हैगी स्वागत तो तुहाडे चैनल दा तुहाडे माध्यम नाल साडी आवाज़ तुसीं लोकां तक पहुँचाउंदे हो। मैं कोलन किसान सभा डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट तो जिम्मेवारी निभा रहा और 31 किसान जथेबंदियां वल्लों असीं इत्थे जो ड्यूटी लगी उह निभा रहे हां जी। जी सर अज दी जिहड़ी ट्रैक्टर रैली आ राहुल दी किस निगाह नाल देखदे हो? गल इह है भी जिवें मेरे साथी ने दस्सिया राहुल नूं सियाणप तां इस गल 'च है भी जिथे जिथे उहदियां सरकारां पंजाब दे विच उहदी सरकार है
वह पंजाब विधानसभा इन्ह काले कानूनों रद्द कर मता पवावे। उन्हों की बहुत संपत्ति है, मुख्यमंत्री उन्होंने वजारत उन्होंने है। जे प्राप्ति कोई साढ़े नाल हमदर्दी है राउड रोड शो कर बजाय पंजाब विधानसभा का सैशन बुलावे, सीएम आपदे कहे कि इतने इन्ह काले कानूनों रद्द कर। हाँ जी, अज जरा हजार की गिनती जो ट्रैक्टर इकट्ठा हो रहा जी, तो उत्थे जरा लगता भी ये जरा किसान होर बोझ पेगा जो अज का जो इन्ना जो पंजाब के उत्ते लोड़ पा रहे हैं। गल ये है किसान तो है ही बेचारा, वो अज तो शुरू तो लैके अज तक बोझ पिया किधे भी किसान योजा नहीं। जो किसान जदों असी खेती करते हैं असी घाटे चल जा रहे हैं, खास करके हरी क्रांति तो बाद 1970 तो बाद किसान इन्ना घाटे च है। पैदा करन दे साधन जिहड़े खादा तेल कीड़े मार दवाइया वो महंगे और सानू साडी पैदावार का मुल घट मिल रहा, इस करके किसान तो पहले ही कर्जे के थले है। जितों तक राहुल की तुसीं गल कीती है, असी दस दिता कि वह मुख्यमंत्री नूं आपदे नूं कहे कि विधानसभा उन्हूं काले कानूनां नूं रद्द करावे। जितों तक तुसीं कहा लोड़ पैण दी गल, लोड़ इन्हां लोकां कोल चाहे वह राहुल गांधी है तो चाहे वह सुखबीर सिंह बादल है, ये अपना सियासी वोट बैंक नूं इकट्ठा करन लई ये सारा ड्रामा कर रहे हैं। इहदे नाल किसानी का भला नहीं, उन्होंने आपके वोट बैंक का भला। सुखबीर बादल ने अज के पेपर के बयान दिता कि राहुल गांधी अज जी रैली कर रहे, उन्होंने जो 2017 किसानों नाल वादे किए थे उन्होंने आपकी सरकार के प्रति पूरे नहीं किए, कि यह दोष ठीक लगा रहे हैं। गल ये है भी जदों दोने घर ये पंजाब दे विच उत्तर काट वो मैं चढ़ा दी खेड खेड रहे हैं, कभी कांग्रेस आँदी कभी अकाली आँदे, जो अकाली सियासत तो बाहर होंदे है उदों इल्जाम तराशी करते, जो कांग्रेस सियासत तो अपना पावर तो बाहर होंदे है उदों उन्हां दी इल्जाम तराशी करते। साडी नज़र च ये दोवें घर कारपोरेट सैक्टर के दलाल है और जो कारपोरेट सैक्टर इन्हां नूं फंड दे के खड़ा करता जो इन्हां नूं बुलाउंदा वह बोलते हैं, पर साडी कत्ती किसान जथेबंदियां दी जो एक मुठता है उन्हां दे उत्ते सट ये नहीं मार सकणगे, असीं सुचेत हाँ जी। ये सन सरदार सुर सिंह जी कामरेड जिन्होंने दसा कि साडा इस रैली नाल कोई मतलब नहीं, कैरती किसान यूनियन के आगू जिहड़े मौजूद ने उन्हां नाल भी गलबात करते हैं। सर सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, पहलां तां तुहाडे चैनल नूं मैं बहुत बहुत वधाई देना, तो तुहाडे चैनल का धन्यवाद करदा, तो तुहाडे चैनल तो मैं आस करदा कि जिहड़ियां इह 31 किसान जथेबंदियां पंजाब दियां इकट्ठियां होईयां ने उन्हां दी घर घर तिकर तुसीं इहदी जानकारी पहुँचाओ, इस करके तां कि किसान आगू जिहड़े किसान ने उह इहनां गल्लां तो पूरी तरह सुचेत हो जाण कि जिहड़े इह सियासी लोक ने जिदे च अज राहुल गांधी पंजाब दे ट्रैक्टर रैली कर रहा है जिदा कोई भी मतलब नहीं बनता, अद्धा परसेंट भी सिर्फ तो सिर्फ आपदी वोटा कट्ठिया करना आया। जे किसानां दे हक दे विच उन्हें गल करनी हुंदी तां उन्हूं चाहीदा की सी कि उत्थे लोक सभा दे बाहर धरना दे के बहिंदा, मोदी दे गल दे विच गूठा दिंदा, मोदी नूं पुछदा भी ये तू काले कानून जिहड़े लियांदे आ तिन किसानां दे खिलाफ इन्हां दा मतलब की निकलदा, ये तो सिर्फ दे सिर्फ जड़ा कर रहे ने अपनियां वोटां कट्ठियां कर रहे, जदों के इन्हां दे अपना मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नाल 31 किसान जथेबंदियां दी मीटिंग हुई आ, वो मीटिंग दे विच इन्हां ने आख्या है कि जिहड़ा एडिटेशन असी कर रहे हाँ इत्थे किसान लहर चल रही आ उहनूं असी चला रहे हाँ, धरने मुजारे असी दे रहे हाँ, तो सरकारां दा काम धरने मुजारे नहीं देना, सरकारां दा काम हैगा विधानसभा दे विच बह के इन्हां कानूनां दे खिलाफ मते पाउण, इन्हां कानूनां दे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट दे विच जाण, ना कि सड़कां दे उत्ते ट्रैक्टर लै के तुरे फिरन, एवें विखावे करन दा कोई मतलब नहीं बनदा हैगा। इस करके इन्हां नूं अपील करदे हां असीं कि तुसीं जिहड़ा काम करन वाला उह करो, जिहड़ा काम किसान करदे ने किसानां नूं करन दिओ, तुसीं उहदे बराबर अपणियां वोटां इकट्ठियां ना करो, इन्हां नूं इस गल तों रोकियो रोकिया जाणा चाहीदा। मेरी यही अपील आ कि जे तुसीं किसानां दे हक दे विच कोई गल करनी आ तो तुसीं विधानसभा दे विच बिल लियाओ जां मोदी दा जाके घर घेरो, इत्थे इत्थे तां अहीं रेल गड्डियां लिया रोकियां ही होईयां, इत्थे तां इहनां दा कोई मतलब नहीं बनदा ट्रैक्टर लै के तुरे फिरन। ट्रैक्टर मार्च दा 2 महीने पहलां किसान जथेबंदियां ने कर दिता, ट्रैक्टर मार्च दा 2 महीने पहलां किसान जथेबंदियां कर चुकियां ने, होर भी किसान जथेबंदियां संघर्ष नूं तिखा कर रहियां ने तेज़ कर रहियां, इहनां दा कोई मतलब नहीं बनदा, इस करके मैं इहनां नूं रोकदा भी बिल्कुल पंजाब दे खबरदार तुसीं ना वड़ो। अज दी जिहड़ी रैली आ वो असी शॉट भी तस्वीरों के दर्शकों को भी विखावे कि हज़ारों की तादाद ट्रैक्टर जोड़ा उत्तर बदनी जा रहा है, पर उस ट्रैक्टर के उत्ते सिर्फ तो सिर्फ जोड़ा है समय की सरकार के ही झंडे लगे ने, समय की सरकार के ही फोटो लगे ने, इसनों तुसी किस निगाह नाल देखते हो? ये सारी एक सियासी खेड़ है, जेड़े पिंडां दे सरपंच ने
उन्होंने ग्रांटा दे लालच दिते गए हैं कि तुहानू ग्रांटा तां मिलेगियां जे तुसी हर पिंड चो पांच पांच ट्रैक्टर लैके राहुल गांधी की रैली में आओगे। उन्होंने मजबूर किया गया इन्हां सियासियां वल्लों इन्हां सरकारां वल्लों मजबूर किया गया कि तुसी ट्रैक्टर लैके इस रैली दे विच हर हालत आउणा ही आउणा। वो इस करके गए आ, दिलों कोई नहीं गया, चा नाल कोई नहीं गया। मैं खुद वेख्या बुग्गी बुरे चौंक तो लोग एवें तोर के उन्होंने ट्रैक्टर वापस अपने घरां नूं मोड़ लिया आ। सिर्फ वो लीडर दे अक्खां दे विच घट्टा पाउण लई, लीडर नूं ये विखावा देण वास्ते कि असी आए हाँ, लीडर साढ़े नाल नाराज़ ना हो जाए। होर वो किसान कोई दिलों कोई किसान इस रैली दे विच नहीं पहुँचा गया। जिहड़े ट्रैक्टर लैके गए वो भी एक किसान आ, उन्हां प्रति तुसीं की कहोगे कि अज दा जिहड़ा उन्हां नूं किहड़ा झंडा बुलंद करना चाहिए? मैं तो उन्होंने यही बेनती करांगा कि तुसी इन्हां सियासियां दे पिंड दे विच ना जाओ। सियासी पिंडां दे विचों आपां नूं कोई हल नहीं मिलना। जे आपां कोई हल होना है तो अपने अपने पिंड चो होना है, अपने किसानी पिंड दे विचों हल होना। तुसी किसानी पिंड वल वधो ना कि तुसी उन्हां मगर ना जाओ। जे वह जाते ने तो मैं तो पिंड दे गां संगतां नूं बेनती करांगा कि तुसी उन्हां नूं समझाओ, उन्हां नूं रोको कि जदों 2022 दीआं वोटां आउणगीआं उदों आपां वेख लांगे किहड़ी पार्टी नाल तुरना है। पर अज तां साडे किसानां दा मसला है, किसानां दी गल आ, किसानी दी गल आ, ते किसानी दी गल होनी चाहीदी आ। इहदा अपना जिहड़ा वोटां कट्ठियां करन वास्ते आया इहनां नूं मूंह बिल्कुल ना लाओ जी। जिस तरह सानू दस्सिया कि इन्हां ने कि जिहड़ा हैगा अज सानू किसानी दा झंडा किसान दा झंडा ही बुलंद करन दी जरूरत है, ना कि राजसी पार्टियां नूं पिछे छड्ड के अज इक्को आवाज़ बुलंद करनी चाहीदी है कि साडी किसानी किस तरह बचाई सकदी है। तुसीं देख रहे हो NO24 मोगा तों जगराज गिल दे नाल मनप्रीत मोगा।